हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो के साथ एम्ब्रॉयडरी टिप्स हिंदी। तो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि आप अपना मशीन का जो मॉनिटर सेटिंग है किस तरह से रखने से आपका मशीन अच्छा चलेगा और आपका प्रोटेक्शन अच्छा देगा। जी हाँ गाइस, एक बात आपको वीडियो में हम ज़रूर बता दें, आपका मशीन जो आप ज़्यादा स्पीड पर चलाएँगे तो आपको लगेगा कि आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये गलत है। जी नहीं गाइस, आप थोड़ा कम करके चलाएँगे तो आपका मशीन का जो टोटल रिस्पांस अच्छा देगा, मशीन भी अच्छा रहेगा और आपका प्रोटेक्शन अच्छा दे देगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये रहा मेन सेटिंग जिसके हम अभी खोला है। तो गाइस, इस सेटिंग को थोड़ा थोड़ा करके हम कम कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि कम में आपका प्रोटेक्शन अच्छा देगा, मशीन भी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं हम इसे अभी कम कर रहे हैं। गाइस, एक बात आपको हम ज़रूर बता दें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने मॉनिटर की जो टोटल सेटिंग है और स्पीड को थोड़ा थोड़ा कम करके आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो गाइस आप अपना मशीन का इसी हिसाब से सेटिंग को रखिएगा तो आपका मशीन अच्छा चलेगा और अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है गाइस, अक्सर होता है कि आप अपना मशीन का जो स्पीड है 750-800 भी चलाते हैं लेकिन उसका मशीन में आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि इसका कारण है कि आप ज़्यादा स्पीड में चलाने से आपका जो मशीन का धागा ज़्यादा कट्टा है तो इसीलिए आपका प्रोटेक्शन दब जाता है। लेकिन गाइस, हमने जो सेटिंग आपको दिया है, इस सेटिंग से आप अपना मशीन को एक हफ्ता चला के देखिए तो गाइस आपका मशीन का रिस्पॉन्स अच्छा देगा। ठीक है, तो गाइस हमें एक कमेंट में बताया गया था कि पूरा सेटिंग चाहिए मॉनिटर्स की, वीडियो के बारे में एक हम वीडियो बनाए पूरा सेटिंग के बारे में, तो इसीलिए इस वीडियो का हमने बनाया है। तो गाइस, ये रहा सबसे मेन सेटिंग जिसको आपको मेंटेन रखना चाहिए, ये रहा पूरा सेटिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने पूरा मॉनिटर में सेटिंग किया गया है और इस सेटिंग के हिसाब से आप अपने मशीन को रखिए तो आपका मशीन अच्छा चलेगा। ठीक है, तो वीडियो गाइस फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारा सेंटर को आप सब्सक्राइबर कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमने इस सेटिंग को आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे आप मशीन की डिज़ाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं डिज़ाइन चेंज के बारे में हम आपको थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन चेंज करने की तरीका आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो हमने अभी डिज़ाइन को खोला और आप देख सकते हैं डिज़ाइन, हमने पहले डिज़ाइन को काटा, काटने के बाद हमने स्टार्ट दबाया और स्टार्ट दबा के एक नंबर पे आके इंटर किया। तो गाइस, इंटर करने से आपको जो डिज़ाइन का चार्ट है खुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिल